हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार ये वीडियो मेरे खास सब्सक्राइबर जो कि हमेशा कुछ ना कुछ मुझसे पूछते ही रहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि उनका क्वेश्चन द मिडनाइट क्लब के लिए था, लेकिन मैं यहाँ पर द मिडनाइट मास और मिडनाइट क्लब दोनों ही पर्टिकुलर सीरीज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि दोनों नेटफ्लिक्स पर आएगी और दोनों बनाने वाले एक ही क्रिएटर है जिन्होंने द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस और द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर बनाई थी। और अगर आप लोग नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हो और अगर आप लोग हॉरर कंटेंट देखते हो तो आपने द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनर तो देखा ही होगा। और वो किस लेवल का शो है वो तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। मतलब ये कुछ ऐसे शोज हैं जो हॉरर जॉनरा को एक अलग ही लेवल पर लेकर चले गए। मैं बात कर रहा हूं माइक फ्लैगन की, माइक फ्लैनेगन की अपकमिंग दो सीरीज द मिडनाइट मास और द मिडनाइट क्लब। सबसे पहले द मिडनाइट मास की अगर बात करूं तो भाई इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट खत्म पर है और ये एक लिमिटेड सीरीज होने वाली है। 7 एपिसोड्स होंगे जो कि इसी साल देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट आई नहीं है, बट आप लोग अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि इसका पोस्ट प्रोडक्शन भी खत्म हो चुका है, तो मे बी ये सेप्टेम्बर या अक्टूबर में हमें देखने को मिल जाएगा। उसका प्लॉट कुछ इस तरह का है, कुछ लोग हमें नजर आएंगे जो कि आइलैंड पर रह रहे, उनकी लाइफ नॉर्मल सी चल रही है, लेकिन इनकी लाइफ में ट्विस्ट आता है जब एक प्रिस्ट की एंट्री हो जाती है, फिर उसके बाद कैसे सुपर नेचुरल इवेंट्स चालू हो जाते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हमें मिडनाइट मास सीरीज का वेट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप लोग एक हॉरर जॉनर वाली सीरीज देखना चाहते हैं, कुछ अलग हटके देखना चाहते हैं, तो मिडनाइट मास आप लोगों के लिए। जैसे इसका रिलीज डेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और यस, ये भी आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। खैर, अब हम लोग बात करेंगे जिसके लिए हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था, द मिडनाइट क्लब। देखो, इसकी शूटिंग मार्च में यानी कि इसी साल स्टार्ट हो गई थी और इसके भी क्रिएटर वही है, माइक फ्लैनेगन। और ये एक नॉवल पे बेस है जिसे लिखा है क्रिस्टोफर पाइक ने। और इसका शो का प्लॉट कुछ इस तरह से होने वाला है कि कुछ हमें यंगस्टर्स नजर आएंगे जो कि सब लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं, लेकिन इनके बीच में एक सीक्रेट है कि भाई ये लोग रात को एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। अब ऐसे में इनकी लाइफ किस तरह से बदल जाती है ये जानने के लिए आपको ये पर्टिकुलर शो देखना पड़ेगा। उसके लिए शो के बारे में एक चीज मैंने और पढ़ी थी कि यहाँ पर हमको एक ऐसा हॉस्पिटल देखने को मिलेगा जिसमें टीनेजर्स होंगे, उनको ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और बेसिकली वो लोग इस हॉस्पिटल में बस इसीलिए लेकर आए जाते हैं कि ताकि वो लोग सुकून से मर सके। तो आप लोग सोचो कि इसकी कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। खैर, इसकी शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म पर है, मे बी डायरेक्टर अब अनाउंसमेंट कर ही देंगे कि भाई शूटिंग हो गई है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले। तो अगर आप लोग अंदाजा भी लगाओ तो ये शो कम से कम हमें 2022 के मार्च या अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। दैट्स इट। और इसमें 10 एपिसोड्स होंगे जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 45 मिनट से लेके 53 मिनट्स के बीच में, मतलब इससे बड़े एपिसोड्स तो नहीं होंगे। और ये भी हमें हिंदी में देखने में मिलेगा। तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोग माइक फ्लैनेगन के बनाए गए हॉरर शोज के कितने बड़े फैन हो ये भी बता सकते हो। और आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है द मिडनाइट मास और द मिडनाइट क्लब से, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यार बस, मिलते रहे इस वीडियो में, दिल मचाते रहो।